नमस्कार। आप सब इस प्रश्न से काफी जूझ रहे होंगे कि हम बच्चों को किस तरीके से खुद पढ़ने और सीखने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ इस समय का नहीं है जब कोविड-19 की वजह से बच्चे घर पर हैं। हमें ये हमेशा लगता है कि कैसे बच्चे पढ़ने पे और ध्यान दें और सीखने की प्रक्रिया में खुद ही शामिल हों। इसी प्रश्न के शायद एक पहलू को सुलझाती है राज्य सरकार और संपर्क फाउंडेशन की ये पहल, जिसका नाम है संपर्क दीदी के सवाल। संपर्क दीदी के सवाल का मंच आपको बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसके अनुसार प्रभावी शिक्षण अभिकल्पना या टीचिंग प्लान तैयार करने में मदद करता है। ये बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि को बढ़ाने का एक प्रयास है। आप लोगों के अथक प्रयास से बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। अब बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म होने पर घर से अपने आप का आकलन कर पाएंगे और अभिभावक और शिक्षक उनकी प्रगति को देख उन्हें सही दिशा दे पाएंगे। यहाँ आप मूल्यांकन के कार्य और प्रक्रिया को 10 गुना आसानी और कम समय में ही करवा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक ही जगह में एक ही बार में ये जान पाएंगे कि किस बच्चे ने कितनी सीख हासिल कर ली है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा ही मज़ेदार है, जहाँ बच्चे खेल खेल में अपनी सीख की परख करते हैं, उनमें पढ़ने की जिज्ञासा और भी जागरूक होने लगती है। इस नए मंच संपर्क दीदी के सवाल के माध्यम से शिक्षक सीखने की दिशा में छात्र के मार्ग को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक नई पहल, संपर्क दीदी के सवाल, आपके साथ आपकी अपनी संपर्क बैठक पर।